हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैराफिमोसिस। सो इफ यू न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियो। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? पैराफिमोसिस। इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फिमोसिस पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं? पैराफिमोसिस। तो इसको डिफिनेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि पैराफिमोसिस क्या होता है। ओके, इट इज अनकॉमन मेडिकल कंडीशन। क्या एक अनकॉमन मेडिकल कंडीशन है? ओके, असमान एक मेडिकल कंडीशन है। इन विच फोर स्किन वंस रिट्रैक्टेड एंड कैन नॉट रिटर्न टू इट नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ये क्या कह रहा है? इसमें जो फोर स्किन है, एक और पीछे आ गया तो वे अपना नॉर्मल पोजीशन पास वो नहीं जा पाएगा। तो ये देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि फोर स्किन का थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। फोर स्किन का क्या फंक्शन होता है? वो पेनिस को कवर आउट करके रखता है, उसको ढक करके रखता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फोर स्किन क्या होगा, और पीछे चला गया तो वो आगे नहीं जा पाएगा। मींस ये मान ली पेनिस है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये पेनिस है तो फोर स्किन इसको कवर करके रख रहा है, तो फोर स्किन और पीछे चला गया तो फिर से वो आगे नहीं आ पाएगा। मीन्स वो आगे नहीं आ पाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? पैराफिमोसिस कहा जाता है। मीन्स वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पास नहीं आ पाएगा। ओके, पैराफिमोसिस में क्या होता है? एडिमेटेशन फोर स्किन, मींस जो फोर स्किन है उसमें इंफ्लामेशन कॉज हो जाएगा, एडिमा कॉज हो जाएगा। ओके, और सेकंड रिट्रैक्टेड फिमोटिक रिंग। इसमें क्या हो रहा है? जो फोर स्किन है एक जगह के जमा हो जाएगा। मीन्स क्योंकि पैराफिमोसिस में क्या हो रहा है, वो अपना जो नॉर्मल पोजिशन है उस पास नहीं जा रहा, मतलब एक और पीछे फोर स्किन को कर दिए तो वहीं पर आके एक जगह जमा हो जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा, उसे ही पैराफिमोसिस कहते हैं। ओके, यही लिखा है, रिट्रैक्टेड फिमोटिक रिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? कॉज देखते हैं, वो किस किस कंडीशन की वजह से पैराफिमोसिस होता है। पहला क्या है? टाइटर फोर स्किन। फोर स्किन टाइट है। ओके, तो फोर स्किन जब टाइट है तो ये मान ली पेनिस है और फोर स्किन टाइट है, वो पीछे करेंगे तो वो अपना पोजिशन पास नहीं आएगा। ओके, तो ये हो सकता है कंडीशन। सेकेंड क्या है? इन्फेक्शन की वजह से। क्या होगा? इन्फेक्शन। अगर फोर स्किन में इन्फेक्शन कॉज कर गया तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। जब इन्फ्लामेशन कॉज करेगा तो वो पीछे चलाया तो अपना पोजीशन पास नहीं आ पाएगा। ओके, थर्ड क्या है? फिजिकल ट्रॉमा टू द जेनाइटल एरिया। अगर जो पेनिस है उसमें ट्रॉमा, चोट लग गया किसी कंडीशन की वजह से या इंजरी हो गया, तो उस कंडीशन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा या इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, तो उस कंडीशन से अगर फोर स्किन पीछे गया तो पीछे ही रह जाएगा। ओके, पुलिंग द फोर स्किन बैक टू फोर्सफुली। अगर फोर स्किन है उसको फोर्सफुली लोग बैक करेंगे, मतलब वो पीछे नहीं हो रहा है। ओके, किसी कंडीशन की वजह से फोर स्किन जो पीछे नहीं आ पा रहा और उसको फोर्सफुली लोग पीछे कर देंगे तो वो अपना पोजिशन पास नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या? फोर स्किन पुल्ड बैक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अगर जो फोर स्किन है उसको बहुत दिन के लिए, फोर स्किन जैसे ये पेनिस है और फोर स्किन को बहुत दिन के लिए पीछे करके छोड़ दिए, क्या है? पीछे करके छोड़ दिए, उसको आगे नहीं कर रहे हैं, तब फोर स्किन को आगे नहीं करेंगे तो वो एक अपना ही पोजिशन पीछे रह जाएगा। मीन्स वो कहने का मतलब वो पीछे रह जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा बहुत दिन तक ऐसा ही छोड़ दिया गया तो। और एक कंडीशन और हो सकता है, कैथेटराइजेशन। क्या कैथेटराइजेशन? कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर है, उसमें क्या कहता है कि पेनिस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट किया था। क्या कहता? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट किया था। वो क्यों किया था? ब्लाडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए। ओके, तो इस कंडीशन से क्या कहता है, इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, जो फोर स्किन है उसको पीछे किया जाता है, जो ग्लैंड पेनिस को बाहर निकाला जाता है। क्या ग्लैंड पेनिस को बाहर निकालने तब ना जो कैथेटर है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको इन किया जाएगा, तो फोर स्किन को बाहर किया जाता है। मीन फोर स्किन जो ये पेनिस है, मान ये पेनिस है तो फोर स्किन को पीछे किया जाएगा, तो ग्लैंड पेनिस जो है ये कहता है ग्लैंड पेनिस है, ये क्या ग्लैंड पेनिस है, उसको बाहर किया जाता है इसमें कैथेटर लगाने के लिए, और उसको उसका फिर से वही पोजिशन पास नहीं किया जाएगा, पीछे छोड़ दिया जाएगा, तो उस कंडीशन से भी हो सकता है पैराफिमोसिस। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। पहला क्या है? पेनफुल फोर स्किन। इसमें क्या सिम्टम पहला होगा? पेनफुल फोर स्किन होगा।
फोर स्किन होगा उसमें पेन महसूस होगा, ओके। पहला कंडीशन ये हो सकता है। सेकंड क्या, डिस्कम्फर्ट। क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, जो पर्सन है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, ओके। नेक्स्ट क्या, एक्सट्रीम बिकर देन नॉर्मल। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है वो यूरिन पास आउट करेगा, तो उसका जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि उसका नॉर्मल फ्लो या पेनिस है, ओके, इस नॉर्मल फ्लो ऐसे यहाँ तक गिरा था, पेशाब यहाँ पर आके गिरा था, लेकिन उसका नॉर्मल फ्लो क्या हो जाएगा, उसमें एबनॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, जो यूरिन है यहीं पर गिरेगा, तो क्या एबनॉर्मलिटी आ गया ना। तो यही कह रहा है कि एक्सट्रीम बिकर देन नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पर गिरा था जब पेशाब कोई पर्सन कर रहा था, यहाँ पर पेशाब हो रहा था, लेकिन क्या होगा, पेशाब इस पैराफिमोसिस होने की वजह से यहाँ पर गिरने लगेगा, मीन्स वो पीछे होने लगेगा। और क्या, नेक्स्ट स्वेलिंग। क्या होगा, यहाँ पर स्वेलिंग कॉज हो जाएगा। क्या होगा, स्वेलिंग कॉज हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या, पेन विथ एन इरेक्शन। जब इसको, जब पेनिस है वो जब इरेक्ट करेगा, स्ट्रेट होगा, तो क्या होगा, उसमें इरेक्शन कॉज, उसमें पेन कॉज होगा। क्या होगा, पेन महसूस होगा, जो पेशेंट है उसका पैराफिमोसिस रहेगा, तो उसका जब पेनिस को वो स्ट्रेट करेगा, इरेक्शन करेगा, टाइट करेगा, तो उसको क्या होगा, पेन महसूस होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या, इन्फेक्शन। वहां पर क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ओके। और पीछे पीछे रहेगा, फोर स्किन पीछे रह जाएगा, तो उस वजह से वहां पर इन्फेक्शन आ जाएगा और पनप जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या, ब्लड इन स्ट्रीम। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो ये पेशाब कर रहा है उसमें ब्लड आ सकता है, क्या खून आ सकता है, ओके। और ये ज्यादातर किस में होता है, अडल्ट में होता है। ज्यादातर क्या होता है, पैराफिमोसिस अडल्ट में होता है, और जो फिमोसिस होता है वो किस में होता है, ज्यादातर चाइल्ड में होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका मैनेजमेंट देखते हैं, ओके। फर्स्ट क्या है, अप्लाई आइस टू द एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग। क्या करना है, इस पर आइस का उपयोग करना है, बर्फ का उपयोग करना है। वो क्यों करना है, जिससे जो वहाँ पर स्वेलिंग है, जो सूजन आ चुका है, उसको रिड्यूस कर देगा, मीन्स उसको कम कर देगा, उससे आइस सेकने की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम अप्लाई ओवर द एरिया टू रिड्यूस द स्किन। स्किन में जो इन्फ्लामेशन कॉज कर गया है उसको रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का यूज करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों यूज किया जाता है, वो जो स्वेलिंग होता है या इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने के लिए क्रीम का यूज करेंगे। वहां पर क्रीम का लेप लगाएंगे, उससे क्या होगा, वहां पर जो स्वेलिंग है वो कम जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या, यूज नीडल टू ड्रेन पस ऑफ ब्लड। और यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो गया है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से, क्या होगा, यहाँ पर पस का कलेक्शन हो गया, तो उसको पस को हटाने के लिए क्या करना है, नीडल का उपयोग करना है, नीडल से उसको खींचना है, उससे क्या होगा, यहाँ पर पस हट जाएगा या ब्लड कलेक्ट हो चुका है इन्फेक्टेड ब्लड, तो उसको हटाने के लिए, ओके। एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक यूज करना है, और यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो गया है, तो क्या एंटीबायोटिक यूज करना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है क्या, एंटीबायोटिक यूज करना है, अगर वायरस हुआ है तो क्या, एंटीवायरल ड्रग्स देना है, ओके। नेक्स्ट क्या, सर्कमसीजन। अगर ये प्रोसीजर करने के थ्रू वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो क्या करना है, उसको सर्कमसीजन करना, मीन्स जो फोर स्किन है, क्या ये फोर जो ऊपर का पोर्शन, जो फोर स्किन है उसको पार्शियली कट करना या फुली कट करके रिड्यूज करना, जितना मतलब इन्फेक्शन कॉज किया जहाँ तक, उसको कट आउट करके रिमूव करना, जिससे और ज़्यादा इन्फेक्शन आगे नहीं फैले, इसलिए सर्कमसीजन किया जाता है, उसको हिंदी में खतना कर सकते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।